आखिर क्यों गया था घटोत्कच विभीषण से कर लेने के लिए लंका। भीमपुत्र घटोत्कच की एक रोचक कथा आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। महाभारत में ऐसे अनेक पात्र हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं। ऐसे ही एक पात्र हैं भीम का पुत्र घटोत्कच। अधिकांश लोग ये नहीं जानते हैं कि घटोत्कच कौन था। घटोत्कच भीम व राजसी हिडिम्बा का पुत्र था और उसकी मृत्यु कर्ण के हाथों से हुई थी। इसके अलावा भी घटोत्कच से जुड़ी अनेक रोचक बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको घटोत्कच से जुड़ी ऐसी रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। महाभारत के दिग्विजय पर्व के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर राज सूर्य यज्ञ का आयोजन किया तो भीम अर्जुन नकुल व सहदेव को अलग अलग दिशाओं में निवास कर रहे राजाओं से टैक्स लेने के लिए भेजा। कुछ राजाओं ने आसानी से कर दे दिया तो कुछ युद्ध के बाद देने के लिए राजी हुए। इसी क्रम में सहदेव ने घटोत्कच को लंका जाकर राजा विभीषण से कर लेकर आने को कहा। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से तुरंत लंका पहुंच गया। वहां जाकर उसने राजा विभीषण को अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। घटोत्कच की बात सुनकर विभीषण भी प्रसन्न हुए और उन्होंने कर के रूप में बहुत धन देकर उसे लंका से विदा कर दिया। लाक्षागृह की आग से बच निकलने के बाद पांडव अपनी माता के साथ छिपते हुए वन में चले गए। उस वन में हिडिम्बासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिम्बा के साथ रहता था। हिडिम्बा ने जब भीम को देखा तो उससे प्रेम करने लगी। तभी हिडिम्बासुर भी वहां आ गया। युद्ध में भीम ने उसका वध कर दिया। कुंती के कहने पर भीम ने हिडिम्बा से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद भीम और हिडिम्बा के मिलन से एक महापराक्रमी बालक पैदा हुआ। वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तुरंत ही जवान हो गया। उसके सिर पर बाल नहीं थे। भीम और हिडिम्बा ने उसके घट अर्थात सिर को उत्कच्छ यानी केशहीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया। वनवास के दौरान जब पांडव गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में बारिश व तेज हवाओं के कारण द्रौपदी बहुत थक गई। तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया। घटोत्कच तुरंत वहां आ गया। भीम ने उसे बताया कि तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई हैं, तुम उसे कंधे पर बैठाकर हमारे साथ इस तरह चलो कि उसे किसी तरह का कष्ट ना हो। घटोत्कच ने भीम से कहा कि मेरे साथ और भी साथी हैं, आप सभी उनके कंधों पर बैठ जाइए। माता द्रौपदी को भी मैं अपने कंधे पर बैठा लेता हूँ। इस तरह आप सभी आसानी से गंधमादन पर्वत तक पहुँच जाएंगे। पांडवों ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में घटोत्कच व उनके साथियों ने पांडवों को गंधमादन पर्वत पर पहुँचा दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव व कौरवों की सेना में युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय घटोत्कच दुर्योधन के बीच भी भयानक युद्ध हुआ था। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच में युद्ध हो रहा है तो उन्होंने द्रोणाचार्य को कहा, घटोत्कच को युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आप उसकी सहायता के लिए जाइए। भीष्म के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण व अनेक महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए। लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपने पराक्रम से घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी माया से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरवों की सेना भाग गई। युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे राक्षस अलंबुस में भी भयानक युद्ध हुआ था। अलंबुस भी मायावी विद्याएं जानता था। घटोत्कच युद्ध में जो भी माया दिखाता उसे अलंबुस अपनी माया से नष्ट कर देता था।
अलम्बुस ने घटोत्कच को अपने तीरों से घायल कर दिया था। गुस्से में आकर घटोत्कच ने उसका वध करने का निर्णय कर लिया। घटोत्कच ने अपने रथ से अलम्बुस के रथ पर कूदकर उसे पकड़ लिया और उठाकर जमीन पर इस प्रकार पटक दिया कि उसके प्राण निकल गए। ये देख पांडवों की सेना में हर्ष छा गया और वे प्रसन्न होकर अपने अस्त्र शस्त्र लहराने लगे। जब कर्ण पांडवों की सेना का संहार कर रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने घटोत्कच को अपने पास बुलाया और कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। जब दुर्योधन ने देखा कि घटोत्कच कर्ण पर प्रहार करना चाहता है, तो उसने राक्षस जटासुर के पुत्र अलम्बुस या पहले वाले अलम्बुस से अलग है युद्ध करने के लिए उनको भेजा। इस अलम्बुस और घटोत्कच में भयानक युद्ध हुआ। पराक्रमी घटोत्कच ने इस अलम्बुस का भी वध कर दिया। राक्षस अलम्बुस का सिर काट कर घटोत्कच दुर्योधन के पास पहुंचा और गर्जना करते हुए बोला, मैंने तुम्हारे सहायक का वध कर दिया है, अब कर्ण और तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखता है, उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए मैं तेरे लिए यह मस्तक भेंट के रूप में लाया हूँ। ऐसा कहकर घटोत्कच ने अलम्बुस का सिर दुर्योधन की ओर फेंक दिया। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ पर जो झंडा था, उस पर मांस खाने वाले गिद्ध दिखाई देता था। उसके रथ में 8 पहिए लगे थे और चलते समय वह बादलों के समान गंभीर आवाज करता था। 100 बलवान घोड़े एक रथ में जुटे हुए थे। उन घोड़ों के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे, उनके आंखें लाल थी। घटोत्कच का रथ रीछ का खाल से मढ़ा हुआ था। उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। बिरूपाच नामक राक्षस उस रथ का सारथी था। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया, तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता, तो उसने अपने दिव्यास्त्र को प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का संहार करने लगे। ये देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना का संहार कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई, तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति अर्जुन का वध करने के लिए रखी थी, इसलिए वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता, तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने उसे पहले वध नहीं किया था। मित्रों, ये थी घटोत्कच की कथा जो मैंने आपको महाभारत से सुनाई है। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी खास अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।